नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चौड़ा फली। एकदम 2 मिनट में बनने वाली चौड़ा फली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रंची और घर में सबको पसंद आने वाली चौड़ा फली है। ये जो नाश्ते का आइटम है ये बहुत जल्दी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है। इसका क्रिस्प जो है वो लास्ट तक ऐसा ही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं 2 मिनट वाली चौड़ा फली। इसके लिए आपको बाज़ार में इस तरह का चौड़ा फली वाला पैकेट मिलेगा। ये देखो, इस तरह से लिखा हुआ है चौड़ा फली। तो ये पैक को काट दीजिए, इसमें इस तरह के पापड़ है। आप पैकेट लाने के बाद फ्रीज में स्टोर करना, क्योंकि ये थोड़े से गीले होते हैं। और फिर जिस दिन बनाना है उस दिन आप फ्रिज से निकाल दो और इस तरह से इसकी लंबी लंबी इसको काट लो। तेल गरम कर दो और चौड़ा फली दोनों साइड से अच्छे से हमें तल लेना है। एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं, लेकिन हल्का ब्राउन कलर आने तक तलना है, क्योंकि उसका क्रंच वैसे ही रहना चाहिए। तुरंत तेल में डालते ही ये फूल जाती है। तो सारी चौड़ा फलियाँ हम इस तरह से तल लेंगे। तो ये जो चौड़ा फली है ये एक्चुअली चौड़ी की दाल से बनती है, और इसका फाइन आटा चाहिए। और आटा लाने के बाद भी, भिगोने के बाद उसको कूटना पड़ता है और फिर पापड़ उसके बेलने पड़ते हैं। तो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। उस हिसाब से आजकल मार्केट में ये जो पैकेट मिल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत सस्ते भी है। ये जो पैक लाया है मैंने, ये 200 ग्राम्स का पैक है मेरा और 40 रुपीज़ में आया है। और मैंने जितनी रखी है परात में चौड़ा फली, उतनी सारी मेरी एक ही पैक से बनी है, और एक पैक मेरे पास है। तो ये जो आइटम है ये बहुत हल्का है, बहुत टेस्टी है, करारा है, एकदम क्रिस्प मेंटेन है। और मैंने कहा आटा लाके उसको भिगोना फिर करना वो बहुत हार्ड होता है, उसके हिसाब से ये बहुत इजी, सस्ता और टेस्टी है। तो आप ये कोई भी गुजराती जो दुकान होते हैं उनकी दुकान में आपको इस तरह के चौड़ा फली के पैकेट मिल जाएंगे। तो आप घर पे लाइए, इसकी पट्टियाँ काट लीजिए और तेल में तल लीजिए, ऊपर से मसाला डाल दीजिए, तो आपकी चौड़ा फली तैयार है। ये टेस्टी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना है दिवाली में। थैंक यू। और अपनी दिवाली में भी हैप्पी दिवाली।